गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज है छुट्टी का दिन, यानी कि आज है संडे। और दक्ष के म्यूजिक वाले सर आ गए थे सुबह सुबह, तो उसकी म्यूजिक की क्लास हो रही थी, उसकी क्लास हो गई, मतलब उसके सर चले गए हैं। अभी वो उधर वाले रूम में है, दक्ष नहाया नहीं है, नाश्ता कर रहा है वहीं पर, और अपना कुछ काम है उसको करने का, वो काम कर रहा है। नाश्ता मतलब कि दूध और नमकीन, ऐसी चीज़ें मैंने उसको दी है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी मलाई का, मलाई जमा हो गई थी तो उसका घी बना रही हूँ। ये बन जाएगा थोड़ी देर में, तो इसको फिर इस वाले डिब्बे में जो है खाली करके रख दूंगी मैं। खाने का ऐसा है कि अभी दक्ष काम कर रहा है, उसके बाद नहाएगा, नहाने के बाद फिर मैं दाल चावल या दाल रोटी ऐसी कुछ समथिंग चीज़ बनाऊंगी। और आज मैंने ना अपना टैडी जो है ना वो धो दिया है यहाँ इसमें, देखिए मशीन में, जो हमारा टैडी अंदर रूम में रहता था उसको आज मैंने फाइनली धो दिया है। ये रहा मेरा ब्लू यहाँ पर अपना काम करते हुए, हमेशा ऐसे ही लेटा रहता है ये लड़का, क्या कहें इसके बारे में। तो मैं भी किचन की तरफ ही चलती हूँ, घी बन रहा है अभी, अगर उसको चलाते नहीं रहो तो वो जल जाता है। थोड़ी देर के बाद दक्ष नहाएगा, रेडी होगा, फिर आप लोगों से मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्कीता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे वैसे, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, वेलकम बैक माय चैनल। सुबह हो गई है, दिन हो गया, मैं मस्कर नहा धो के पूरा रेडी हो गया था। बहुत पहले मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था यहाँ पर, बुक वगैरह से मतलब अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे एग्जाम टेस्ट चल रहे हैं अभी पीरियोडिक्स वाले तभी। और सुबह सुबह मैं पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद फिर मेरे म्यूजिक वाले टीचर आ गए थे, तो मैंने म्यूजिक वाली क्लास, फिर मैंने म्यूजिक की क्लास करी। कितना डाटा ग्राम बोले मैं, फिर मैंने म्यूजिक की क्लास वगैरह करी। बाकी तो खैर कुछ नहीं, अभी ये पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ मैं, जिसकी बता चुका हूँ मैं, बुक एक्सरसाइज वगैरह याद वगैरह कर रहा हूँ, बुक के बीच बीच में से देख रहा हूँ, ये रीड वगैरह कर रहा हूँ। और बाकी तो खैर कुछ नहीं हो रहा है अभी। मम्मी अभी किचन में मस्त करके खाना बना रही है, और अभी बज रहा होगा 12:30, 12:30, 1 बज रहा होगा अभी। आज लेट स्टार्ट कर दिया ब्लॉग, कोई नहीं, चलो फिर। और यहाँ पर मम्मी ने दे रखा है मेरे को रूअफ़ा वाला पानी, तो मस्त करके पी रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत बचा है, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। ख़त्म क्या, मस्त हो रहा एकदम मेरे को ये, और बुरा कुछ एकदम मस्त लगता है। तो चलो फिर, अब तो मैं अपनी मस्त करके पढ़ाई वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने मंगाया है एक नायका से सर, मैंने इसमें डिओड्रेंट मंगाया और उसके साथ मुझे ऑफर चल रहा था तो फ्री भी मिला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने मंगाया था इसमें निविया का ये वाला डिओड्रेंट जो है 285 का, और एक ये रोल ऑन है जो कि इसमें दिखा रहा है 60 रुपीज का। तो बट ये दोनों चीज़ें मुझे मिल गई, जैसे ये 285, 300 का इसको मान लो आप लोग, और 59 का इसको मान लो, तो आप लोग मान लो 350 रुपये के समथिंग का दोनों चीज़ थी, बल्कि ये मुझे 185 रुपीज़ में दोनों चीज़ें मिल गई ऑफर में। इसीलिए कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करना भी अच्छा होता है, सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें स्मेल फ्रेगनेंस सब कुछ सेम है इसका, ये देखिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने नायका से मंगाई थी दो चीज़ें, ऑफर चल रहा था मदर्स डे के दिन मैंने इसे ऑर्डर किया था, मदर्स डे स्पेशल ऑफर चल रहा था, तो मुझे इसमें इतना डिस्काउंट मिला, इसलिए मैं कभी कभी ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा लेती हूँ। मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन तब मंगाती हूँ जब ऑफर चल रहा होता है, तो बहुत सही रहता है, किफ़ायती एकदम। 3 बजने वाले और मैंने घर का सारा काम कर लिया, खाना पीना खा के बर्तन धो दिया और उसमें रूअफ़ा भर दिया मुनू के लिए। मुनू कर रहा है इधर पढ़ाई, अरे मुनू कहाँ गया, अच्छा वॉशरूम गया है, तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। खाना पीना खा के मैंने बर्तन वर्तन धोए, झाड़ू भी लगाए, किचन की सफाई करी, रूअफ़ा भर के ले आई हूँ, थोड़ा मैंने भी पी लिया, बहुत गर्मी हो रही है, तो दक्ष ने एसी चला रखा है इस रूम में, तो आते ही ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हूँ करके। बाकी बहुत गर्मी हो रही, 2 दिन से ज़्यादा ही हो रही, कल भी बहुत हो रही थी, तो थोड़ा सा अभी रेस्ट करते हैं। जाना तो है बाहर, हम लोगों ने व्लॉग भी बनाना है, मिनी व्लॉग भी बनाने हैं, कविता कार्की वाले चैनल के लिए भी व्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, बट ना वो नहीं हो पा रहा मुझसे, जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि शाम के अभी इतने काम होते हैं, फूलों पानी वगैरह डालना होता है, तो देखते हैं कितने बजे तक जाते हैं, और जाते हैं या नहीं जाते हैं ये भी देखते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है। दक्ष का बर्थडे आने वाला है, मुझे इतने सारे काम करने हैं, मुझे अपनी किचन की सफाई करनी है, थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया, मतलब पर्दे वगैरह धोना घर के जो होता है वो सारा कर लिया, ऐसे कोई फंक्शन तो नहीं है, घर के में ही बर्थडे है, बच्चे बच्चे आएंगे अड़ोस पड़ोस के, लेकिन ये होता है कि हाँ उस बहाने सफाई हो जाती है। सोफे कवर मैंने धोए, पर्दे मैंने धोए, सिर्फ एक ये वाले दरवाजे का पर्दा धोना रह गया, बाकी क्योंकि इसका मैंने इसलिए नहीं धोया, सबसे लास्ट में धोऊंगी, वरना ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है यार। और डोरमैट्स वगैरह भी एक दिन पहले ही धोंगे, वो तो सब हो जाएगा। किचन की सफाई करनी है, मेन चिमनी साफ करनी है जो बहुत गंदी हो रही है, उसको 2 दिन पहले ही करना पड़ेगा,
दो दिन पहले ही बालों में मेहंदी भी लगानी है, मार्केट का भी काम है, बहुत सारे काम है, किचन साफ करना है। सबसे मेन जो बड़ी वाली अलमीरा है वो तो मैंने बीच में साफ कर दी थी, और जहाँ आटा चावल के ड्रम रखते हैं वो भी कर दिए थे, एक कैबिनेट सॉर्ट कर दिया था, ऊपर के कैबिनेट्स हैं, और बेड से बर्तन वगैरह निकालने, बेड के अंदर बर्तन रखे रहते हैं बड़े वाले, वो निकालने, वो देखने, बहुत काम है। लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही गर्मी की वजह से। एक जना और कोई साथ में होता ना हाथ बटाने वाला तो चीज़ें आसान हो जाती, देख देख के साथ में कोई काम करने वाला है करके हो जाता है, अकेले अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आती है हिम्मत, लेकिन करना सब कुछ फिर भी पड़ता ही है। ये हम शाम के 4:30 बजे रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि व्लॉग वगैरह बनाना है, तभी है वीडियोज वगैरह बनाना है, तो चलो फिर जल्दी जल्दी से बाहर चलते हैं। बाकी तो खैर कड़ाके वाली धूप लग रही है, देखो मेरा लुक ये है आज, ये मेरा लुक है ये, और ये मेरा लुक है, मेरे लिए कुर्ती पहन ली। चलो चलो फिर अभी मैं दिखता हूँ, बोल रहा हूँ मैं चलता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद आपसे मिलूंगा। देखो देखो ये जिद कर रहा है, मैं स्कूटी ले जा रहा हूँ करके, नहीं बेटा वहाँ पे कीचड़ है, वो तो उसमें गड्ढे में फंस जाएगी, आते समय चला लेना तू, ठीक है यहाँ से ले, नहीं आते समय चला लेना, यहाँ पे कीचड़ हो रहा है ना, इसमें धस जाएगी, देख लेना, तुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है छोड़ दे उसे, लाइदा दे। जी अभी हम लोग वॉकवे में पहुंच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं, मुझे कुछ कुर्तियां देखनी है और दक्ष के लिए शर्ट देखनी है, तो यहाँ देखते हैं पसंद आता है तो कुछ। ये येलो ड्रेस है जो दक्ष को पसंद आया है और मुझे भी पसंद आया, ये आउटर है, ये कुर्ता और ये पैंट है, ट्राई करके देखूँगी अच्छा लगेगा, ठीक है बाकी और देखते हैं। वहाँ पर वुमेंस वाले में तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, जो पसंद आ रहा था उसमें साइज़ नहीं था, और उसी से ऊपर बच्चों वाले में जाना था, तो दक्ष जबरदस्ती मुझे बाहर से ले आया, अंदर से ही जा सकते थे हम, लेकिन ये बाहर से लेके आ गया, अब यहाँ से जा रहे हैं। दक्ष यहाँ पे गोल गप्पे खाने आया है, यहाँ पे बंद है इसके लिए, कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। वहाँ से हमें कुछ सामान पसंद नहीं आया इसलिए हम लोग वापस आ गए, जो चाहिए था वो मिला नहीं, अब मैं आपको घर जाके बताऊँगी क्या चाहिए था। तो यहाँ पे दक्ष को गोल गप्पे खिलाते हैं और कुछ और भी से खिलाते हैं, फिर हम लोग घर चलते हैं, फिर घर में भी काम करने हैं काफ़ी सारे, और दक्ष को भी फिर खेलने जाना है। और तो गोलगप्पे ठीक है, अभी पापड़ी चाट भी मंगा रखी है, वो भी आने वाली है, हेलमेट उतार ले तब तक, थोड़ा सा हवा लग जाएगी सर में, अब तो खेलने भी जाएगा। पेट भर गया, भरा पेट, सेंसलेस हो गया तू तो, पानी चाहिए, लो निकाल लो डिक्की में से पी के आ जाओ। पापड़ी चाट यहाँ पर आ गई है दक्ष की, हेलमेट तो खोल लेता अच्छे से आराम से, आराम से खाओ, कैसा हो रहा है फिर बताना। छुरी मैं खा के बताती हूँ, यहाँ पर मैंने बना दी है आज भिंडी की सब्जी, अभी भी बंद किया है और पानी आ रहा था बाहर टंकी में, तो फूलों में ऊपर छत में तो डाल दिया, बाहर पाइप लगा रखा है, उसको हटाती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, फिर करती हूँ पूजा पाठ। बहुत 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 गर्मी हो रही है सच्ची में, पता नहीं क्यों हो रही है, दो दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब मुझे डर लग रहा है दक्ष के बर्थडे के दिन ज़्यादा गर्मी ना हो। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी मॉल में गई और मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा, मैं वेस्ट साइड में गई वहाँ से भी कुछ नहीं खरीदा, वहाँ मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी जो मैं सोची थी दक्ष के बर्थडे में पहनूंगी, बट उसमें मेरे लिए साइज़ अवेलेबल नहीं था, दक्ष के लिए शर्ट या टी शर्ट दोनों में से एक चीज़ लेनी थी बर्थडे के लिए, बट उसको कुछ भी पसंद नहीं आया, उसे ना हाफ बाजू का हुड पसंद आ रहा था सर्दियों का, वो भले ही हाफ बाजू का था लेकिन वो वूलन कपड़े में था, वो थोड़ी पहनेगा, उसके लिए जिद कर रहा था, उसमें साइज़ भी नहीं था, ज़बरदस्ती जिद कर रहा था, मैंने नहीं दिलाया। फिर हम DIY गए वहाँ, मुझे बर्थडे के डेकोरेशन का, वैसे तो मैंने सामान ऑनलाइन मंगाया बट कुछ ना टेबल डेकोरेशन के लिए मुझे कुछ चाहिए था तो वो भी मुझे वहाँ नहीं मिला। फिर मैंने सोचा था कि दक्ष को कुछ मैं एक उसकी पसंद का कोई गिफ्ट, कोई भी टॉय, कुछ भी यूज़फुल चीज़ उसको दिलाऊंगी, तो उसको भी कुछ पसंद नहीं आया, तो इतना वो लगा था। फाइनली हम गोलगप्पे, पापड़ी चाट और क्या खाया दक्ष ने, वो काजू शेक, ये सब पी के घर आ गए। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने एक दो पापड़ी चाट खाई बस, दो टुकड़े बस हो गया और कुछ नहीं। अब तो बस नहा के पूजा करती हूँ और लेट जाती हूँ अपने रूम में, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सब्जी भी बना दी है और आटा भी गूंथ दिया है मैंने, वगैरह बोली थी हो गई, जिस कच में बोला कि आज खाना खाने का मन नहीं कर रहा था आज मेरे को, तभी मैंने नहीं खाया, तो बस करके अपना मैं रोज का पानी खत्म कर लेता हूँ। खत्म हो गया, मस्त हो रहा था। चलो फिर अब ऐसा करता हूँ ना, मैं ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, तबीयत जल्दी सोना है, अभी टाइम हो रहा है 9:24,
तो चलो फिर अब जल्दी जल्दी से व्लॉग एंड कर लेता हूँ। बाकी कुछ नहीं और खाज, आज हम बाहर गए थे लेकिन वहाँ वॉक पे वगैरह वहाँ से लेकिन कुछ नहीं खरीदा तो चलो फिर कर दो एंड फिर थकान हो रही है पता नहीं क्यों ना। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन आराम से उठो ना तो ऐसी आलस भरा दिन रहता है, सुबह उठ जाओ तो एक्टिव रहता है इंसान। चलो फिर तो अगर आपको लगता तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक मत कीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।